यहाँ पे मम्मी पापा और मिश्का ये तीनों लोग लगे हुए हैं वीडियो कॉल पे किसी के साथ, ये मुझे पता नहीं किससे बात कर रहे हैं ये लोग। यहाँ ये लोग लगे हुए हैं, तब तक मैं जा रही हूँ किचन में थोड़ा सा सब्जी बनाने की तैयारी करती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और जुकीनी की सब्ज़ी। तो ये जुकीनी इंडिया में उतना मिलती नहीं है, थोड़ी कद्दू टाइप की लगती है और इसका छिलका बहुत ही पतला होता है, तो बिना छिलका उतारे ये बन जाता है। और साथ में बना रही हूँ रोटी, तो ये नाश्ता हो गया। जैसे ही मैं रोटी बना के किचन का स्लैब साफ़ करने जा रही थी, वैसे ये हो गया कांड। अब ये अलग मुसीबत है, वो इतना फैल गया रायता, इसको सब संभालो। ये छोटे छोटे टमाटर वाले सारे गिर गए हैं, तो इनको भी सही करना पड़ेगा। तो अभी ब्रेकफास्ट के बाद इनको करेंगे सही हम। तो यहाँ पे मैं धनिया उगाने की भी कोशिश कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे थोड़ा धनिया पहले से भिगा के रख दिया था, अब उसको मिट्टी में मिक्स करके और थोड़े दिन ऐसे ढक के छोड़ेंगे ताकि उसके छोटे छोटे स्प्राउट्स निकल आए। तो टमाटर वाला वो गिर गया था अभी, मैंने पहले दिखाया उसको, फिर मैंने वैसे ही मिट्टी डाल के थोड़ा पानी वानी डाल के रख दिया। अब देखते हैं क्या होता है, वापस से वो होता है या नहीं। एंट है, एंट है, कोई बात नहीं, बाहर एंट घूमता है। एंट मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हाँ, एंट। तो देखते हैं धनिया का क्या होता है आगे, जमता है या नहीं। इसको फिर इसमें रखेंगे, देखो इसमें इसको फिर इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, जस्ट मॉइस्ट करेंगे इसको। नहीं मुझे ये अब नाइस एंड मॉइस्ट हो गया। नहीं मैं करना है। देन वी विल कीप इट लाइक दिस इन द बोल, in the bowl, bring this water in it just to keep it moist. See the roots, roots. Sprinkle the tomato. ये है इसमें, इसमें सब थोड़ा थोड़ा होल है नीचे, ठीक है। तो होल की वजह से थोड़ा सा ज्यादा भी पानी होगा, वो पानी पूरा नीचे चला जाएगा। तो सारा पानी डाल चुकी हूँ, अब इसको हम थोड़ा सा देंगे। पौधों को भी दूसरे पॉट में लगा दिया, उसके बाद मिश्का को लेकर बैठी थी यहाँ पे। थोड़ा सा क्या होता है बच्चों के साथ, थोड़ा ऐसे लगे रहो, नहीं तो दिन भर फोन ही देखते रहते हैं। बना लिया, अब चूसा बना दो, ठीक है। चाचा डॉट्स क्या बनाया? हैंड। अभी मैं बनाती हूँ, फिर आप उसको करना, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तो ड्राइंग कर रहा हूँ, और तो आज तो शेप शेप और क्या बना रहे हो? शेप्स, शेप्स। अब हो गया। नाइस टू मीट यू, हार्ट को। I love you, mommy. मैं हार्ट बना दिया। Oh, I love you, baby. मैं स्टार बनाता हूँ। हाँ। स्टार तो नहीं इंडिया आ रहा था। हम्म। हम
नींदी आ रहा था। स्टार देख के नींदी आने लगा। हाँ। सो गया। डायमंड। डायमंड। क्या क्या बनाया आपने? सर्कल और हार्ट। और ट्रायंगल। ओम स्क्वायर। स्टार और रेक्टेंगल और डायमंड। ये क्या है? ओवन। देखो मैं क्या है। वाव, रियली नाइस। नहीं नहीं इसको नहीं नहीं। अच्छा आउल भी बनाना है आपको? हाँ। ठीक है बनाओ। इसका नाक बना दिया और इसका आँख और इसका मुंह। इससे क्या होगा? होगा ना किसका कलर है? किसका कलर है? अरे गिर जाएगा। पूरा खाओगी क्या? नहीं शेयर करना है। मैं हाथ करूं। अच्छा ठीक है। किसके साथ शेयर करोगी? मम्मा के साथ शेयर करोगी। अच्छा ठीक है। अभी हम लोग थोड़ी देर में जाने वाले हैं होम डिपो। वहाँ से ऑर्गेनिक मिट्टी लेके आना है ये सब्जी वगैरह उगाने के लिए। अभी तो मैंने वैसे ही पॉटिंग मिक्स में डाल दिया था, वो मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था। पिछले साल ही वो गलती से आ गया था, पिछले साल का ही रखा हुआ है तो अभी भी सही था। इसलिए ग्रो करके उसमें देखा तो हो ही रहा था, तो सोचा कि ऑर्गेनिक में करके देखते हैं शायद और सही हो इनके लिए। अभी हम आ चुके हैं होम डिपो और यहाँ से ले ली हमने थोड़ी सी मिट्टी और हमें लगता है कि थोड़ा और चाहिए होगा क्योंकि हम बैकयार्ड में भी थोड़ा सा ये प्लांट्स ग्रो करना चाहते हैं लाइक वेजिटेबल्स फ्लावर्स ये सब, तो थोड़ा सा उसके लिए भी क्यारियाँ बनानी है तो उसमें भी मिट्टी लगेगी। फ़िलहाल इतना ही लेके जाते हैं देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत थक चुके हैं, बट थोड़ा सा मिट्टी और घास ये सब लेना था तो इसलिए आ गए। तो होम डिपो काफ़ी बड़ा स्टोर है तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अभी हो नहीं पाएगा तो मैं कोई और वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि अभी हम इसके गार्डन सेंटर में हैं और ये देखिए कितना बड़ा है, और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, तो वो मैं किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब शाम भी हो रही है, अब घर चलते हैं। तो घर आके हमने चाय वगैरह पी ली है और सब बैठ के अभी मूवी देख रहे हैं। अब थोड़ी देर में हम लोग डिनर करेंगे। यहीं पे व्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।